अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। HSM बर्ड्स एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक ट्रेजेडी शेयर करनी थी कि हमारे साथ कल रात को क्या हुआ। ये माशाल्लाह से आपको कल रात की ये वीडियो है, ये पाइप जो है मकाओ के पेट में जो पाइप गया था उसके बाद की वीडियो है। ये वाला पाइप जो है ये पूरा जो है इसके पेट के अंदर चला गया था। जब हम फीड करा रहे थे इसको कल रात को, जब हम मकाओ को फीड करा रहे थे तो चौथी चार सिरिंज करा ली थी, जो पांच की जो आखिरी सिरिंज थी उसके अंदर जो है इसके पाइप इसने खुद ही पकड़ के खींच लिया। क्योंकि वैसे तो हम अमूमन इस सिरिंज से कराते हैं, जो इम्पोर्टेड सिरिंज है ये मिल जाती है, हर जगह से मिल जाती है, लेकिन ये मेन सिरिंज होती है। इसके ऊपर माशाल्लाह आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आपको ये पाइप नज़र आ रहा होगा, ये काफ़ी मोटा पाइप होता है। और ये जो नॉर्मली पाइप होता है ये फॉलिस पाइप ही है, दोनों ही फॉलिस पाइप है, लेकिन ये थोड़ा हल्का होता है, ये पहाड़ी रिंग नेक के बच्चों में इस्तेमाल होता है। अब वो एक सिरिंज थी, बाकी सिरिंजे जो हैं दो तीन सिरिंजे ऐसी वाली, लेकिन वो अंदर डब्बे में बंद थी क्योंकि अभी इतने कोई खास बच्चे हैं नहीं, तो एक दो मकाओ के बच्चे, तीन गिरे के बच्चे, इसलिए एक ही सिरिंज रखी हुई है। अब वो एक एक करके करा रहा था तो उसमें टाइम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा जल्दी करने के लिए ये वाली जो है लोकल वाली सिरिंज निकाल ली। अब इसका ये जो पाइप है ऐसी बात है, ये एल्फी से लगी हुई है, वो भी एल्फी से लगी हुई है, लेकिन वो बाहर से ही फिक्स हो जाती है। तो जब हमने आखिरी सिरिंज करा दी तो वो पूरा पाइप उसने ले लिया अंदर। अब जब रात को तो नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उसके पेट में पांच सिरिंजें ऑलरेडी थी, तो महसूस ही नहीं हो रहा था। सुबह हमने जब उसको चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट लगे हमारे को सिर्फ ये महसूस करने में कि बच्चे के पेट में पाइप है या वो मैदे में चला गया। मैदे में जाने से मसला ये होता है कि एक्सपायरी का चांस आता है, क्योंकि ऐसी बात है भी सूजन आ सकती है, अंदर सॉइलिंग हो सकती है, बहुत से मसले हो सकते हैं। थोड़ी अजियत देनी पड़ी इसको, तकरीबन 15 मिनट हमने इसको ऐसे ही लिटा के रखा आराम आराम से, अपनी एहतियात से, उस बच्चा भी सुकून में रहा और हमें भी इतनी कोई खास, हम तो ऐसी बात है टेंशन में थे, इसकी प्रॉपर वीडियो नहीं बना सका। तभी अगर बना लेता तो ऐसी बात है आप लोगों को भी आसानी से समझा सकता, लेकिन उस वक्त ना ही मेरी ऐसी पोजिशन थी, ना ही जो है बन सकती थी वीडियो। तकरीबन 15 मिनट हमें सिर्फ इसका जो है क्रॉप में पाइप ढूंढने में लगे, क्योंकि सबसे मेन काम यही होता है कि क्रॉप में पाइप है तो हमारा आधा काम तो हो जाता है। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, ऐसी बात है जो काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, डॉक्टर्स भी हैं और ऐसे कोई तजुर्बेकार भी हैं, लेकिन मैं अपने काम, अपनी जो चीज़ होती है अक्सर ग्रे के चला जाता है पहाड़ी, ये नॉर्मल है, हर दूसरे जो शौकीन होता है उसको आइडिया होगा कि नॉर्मली पाइप जो नॉर्मल सिरिंज हो चाहे इम्पोर्टेड हो, बच्चा पिक करता है उसको बहुत हार्ड से पकड़ के, ऐसी बात है उसे नहीं पता कि यार ये निकल जाएगी। अब उससे पता हो तो शायद वो एहतियात करे, लेकिन वो मकाओ ऐसी बात उसने पकड़ा और सिक करके पूरा क्रॉप, पूरा जो पाइप है अपने क्रॉप में ले गया। अब 24 तकरीबन 12 घंटे हो चुके थे तो यही डाउट था कि यार पाइप है नहीं है, पाइप है नहीं है, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हमें सिर्फ पाइप ढूंढने में लगे। जब पाइप मिल गया तो थोड़ा सुकून हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा आसान ही होता है, आसान तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन एक आसरा हो जाता है कि बस पाइप पकड़ के पाइप का जो नीचे का जो आखिरी हिस्सा होता है वो हमें ढूंढना होता है। अगर वो मिल जाए तो जैसी बात है पाइप भी स्लिपरी है और क्रॉप भी उसका जो है खाल जैसा होता है। अब जैसी बात है बच्चा भी तकलीफ में था, जितना जल्दी हो जाता, हमारी कोशिश यही थी कि जल्दी से जल्दी हो जाए। फिर जब हमें पाइप महसूस हो गया तो हमने इसे खड़ा करके पाइप को ऊपर लाने की कोशिश की। सिरा भी नहीं मिल रहा था क्योंकि जैसी बात है कर्व हो जाए कभी, कैसा हो जाए। पाइप मिलने के बाद हमें ये तो आसरा हो गया कि पाइप हम निकाल सकते हैं। तो जब काफी देर बाद पाइप महसूस हुआ उसके बाद फिर हम आखिरी का हिस्सा ढूंढने लगे। फिर जब आखिरी का हिस्सा मिल जाता है तो आसानी हो जाती है कि सिर्फ उसको पुश करना होता है। पुश करने के बाद फिर मसला ये आया कि उसने अपने हलक में जो है पाइप को अटका लिया। उसके काफी देर बाद अभी इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। फिर ऐसे चोंच खोल के यहाँ पे पाइप अटक गया था, मतलब इस हिस्से में, तालू के हिस्से में पाइप रुक गया था, ना ही वो अंदर आ रहा था ना ही बाहर जा रहा था। ये देखिए इस टाइप पे हमारे को जो है उसका सिरा मिल गया था जो बिल्कुल एंड का हिस्सा था मिला, फिर उसके बाद से हमें सिर्फ उंगली रख के उसको बाहर निकाला तो ये हलक में स्टक हो गया था। फिर काफ़ी मुश्किलों के बाद पूरी जो है मुश्किलों के बाद हमने उसको लिटा के पूरा जो है इसका मुंह खोल के, फिर जैसी बात है इसको भी थोड़ी बहुत तकलीफ हुई होगी, जैसी बात निकालना भी ज़रूरी था, अगर नहीं निकालते तो बाकी जो है हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये फिर अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे घंटे के प्रोसेस के बाद जो है ये पाइप जो है बाहर आया। ये देखिए माशाल्लाह पाइप बहुत बारीक से ही था, कुछ ज़्यादा मोटा नहीं था, जैसे अगर ये वाला पाइप जाता तो हमारे लिए मुश्किल होती, लेकिन ये वाला पाइप नहीं गया माशाल्लाह से। ये वाला मकाओ है, ये तकरीबन कल जब मैं इसको लास्ट फीड करा रहा था तकरीबन 2 बजे की इसकी लास्ट फीड थी। 2 टाइम फीड पे ये सुबह 2 बजे और रात 2 बजे,
जो मैं इसको आखिरी फीड करवा रहा था 2 बजे रात के, तो 4 सिरिंज हो गई, 5वीं सिरिंज में जो है इसने काफी जो है मतलब, वैसे तो ये नॉर्मली बहुत वाइब्रेट करता है ना मकाओ, जब भी मैं इसको इस तरीके से वाइब्रेट करता है, तो जब सिरिंज आती है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइब्रेट करता है, तो इसने उसी में जो है उसको होल्ड कर लिया और वो पाइप जो है इसके पेट में चला गया। खुश नसीबी ये थी कि वो जो पाइप था वो दूसरा वाला था, पतला वाला था, अगर मोटा वाला पाइप लेके जाता तो इसके लिए भी नुकसानदेह होता और मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो जाती। पतला पाइप था, आराम से जो है वो बिल्कुल बाहर आ गया और ना ही अंदर जाके उसने कोई मसला किया। तकरीबन 12 घंटे बाद जो है, क्योंकि जैसी बात है उस वक्त फीड थी इसके पेट में, 5 सिरिंजें ऑलरेडी फीड थी, तो अब जैसी बात है फिर पूरी फीड बाहर निकालनी पड़ती, उसमें फिर तोता भी परेशान होता और जो है अजियत भी होती इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से सुबह जब 12 बजे देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका फीड खाली थी। पाइप को थोड़ी देर लगी, तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे पाइप ढूंढने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाइप भी मिल गया। असल में इशू ये आता है कि पाइप की नाली, जो पाइप का साइज था उसका और जो इसकी सांस के नाली का जो पाइप होता है वो तकरीबन 90% जो है सेम होता है, तो उसमें ये इशू आ रहा था बार बार जो है, ऐसा लग रहा था कि सांस की नाली को पकड़ रहे हैं इसलिए छोड़ना पड़ जाता था, तो दोबारा जो है पाइप घूम जाता था। तो उसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट सिर्फ पाइप ढूंढने में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह जब पाइप मिल गया तो हमारा आधा काम तो तभी हो गया था। पाइप मिलने के बाद सिर्फ हमें नीचे का जो है एंड देखना था कि एंड कहाँ है, उसके बाद फिर हमें सिर्फ उसको पुल करना था ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन आधे घंटे का प्रोसेस था, उसके बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। अभी माशाल्लाह बच्चा भी बिल्कुल ओके है, बच्चा भी बिल्कुल सुकून में और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सुकून में। पाइप नहीं भी निकालता, एक मिसाल है, अगर मैं पाइप नहीं भी निकलता या मैं नहीं निकालता तो भी कोई इशू नहीं आता, क्योंकि पाइप था भी बहुत माइनर सा, पतला सा था बिल्कुल, और इतना कोई खास लंबा भी नहीं था कि बाद में इसको इशू करता या किसी और को इशू करता। तो ऐसे इतना सा मसला आता कि अगर कल को अल्लाह ना करे मेरे से या जिस पार्टी को मैं ये देता उसके पास जब अगर पाइप जाता तो फिर वो 100% हमें निकालना पड़ता, फिर हम कसर नहीं छोड़ सकते थे कि यार रहने देते हैं या कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी इसमें ऑलरेडी एक पाइप था वो तो अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिया। अब अगर वैसे अगर मैं उस पाइप को छोड़ भी देता तो वो अंदर कहीं ना कहीं अपनी जगह बना लेता सिवाय मैदे के, अगर मैदे में चला जाए तो इशू करता। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पाइप बाहर आ चुका है, वीडियो भी आपको दिखाई है कि माशाल्लाह कैसे पाइप बाहर आया। उसमें पूरा व्लॉग नहीं बना सके थे क्योंकि ऐसी बात है ना ही उस वक्त बच्चा इस पोजीशन में था ना ही हम इस पोजीशन में थे कि वीडियो बनाते, तो सिर्फ कैमरा पकड़ के एक बंदे को बिठा दिया था, उसने पूरी वीडियो बना ली। माशाल्लाह बच्चा भी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल सेट है, कोई इशू नहीं है बच्चे में 1% भी, ना ही उस वक्त फॉल्ट था ना ही अभी फॉल्ट है। माशाल्लाह से अभी बिल्कुल सेट है, बिल्कुल ओके है, कोई इसमें इशू नहीं है। जो एक ही पाइप था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने निकाल दिया है और अभी भी ये माशाल्लाह जो फीड ले रहा है, और बिल्कुल फीड तो करानी पड़ेगी, इस डर से फीड तो नहीं छोड़ सकते। तो अल्लाह ना करे अगर हमारा ये देखें, हम प्रोफेशनल नहीं है, ये सिर्फ रिस्क था, एक ट्राई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी की है, अक्सर बच्चों में पाइप चला जाता है, जो है एहतियात करनी पड़ती है। अब ये था, काफ़ी डॉक्टर बैठे हुए हैं, जैसे हमारे एक और साहब भी है मुजफ्फर नईमी साहब, कर देते हैं कराची में, ये जितने भी मसले आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो कर लेते हैं, और भी 2-3 डॉक्टर्स हैं जो माहिर है इस काम में, लेकिन जैसी बात है अपनी चीज़ है, किसी और के पास ले जाते हुए डर लगता है क्या वो क्या करेगा कैसे करेगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही करना मेरे हिसाब से बेहतर था। बाकी मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूंगा कि आप किसी तजुर्बेकार के पास जाएं जिसका सालों का तजुर्बा है, 10-12 साल जो इस फील्ड को दे चुका हो, उसके पास जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, डॉक्टर से प्रेफर करें। बाकी माशाल्लाह मेरी चीज़ थी, मैंने तजुर्बा किया क्योंकि मुझे कोई डर नहीं था, क्योंकि देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप मेरे पास आएँ और ना ही मैं आपको जो है अपने पास बुलाऊँगा, आपको डॉक्टर का नंबर दूंगा या किसी तजुर्बेकार का नंबर दूंगा, मेरा ये काम, मैं इस चीज़ में प्रोफेशनल नहीं हूँ। तो बराए मेहरबानी अगर अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ ये हो तो मुझसे डॉक्टर के लिए रब्ता कर ले, मेरे को ये ना बोले कि मैं पाइप निकाल दूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम निकाल देते हैं पाइप, लेकिन ऐसी बात है रिक्स वाला काम है तो ये फजूल ही है ना, तो हम कोशिश यही करें कि किसी अच्छे बंदे से, किसी जो है प्रॉपर जो काम करने वाला, क्योंकि ऐसी बात है मेरी चीज़ थी मैंने रिक्स ले लिया, अल्लाह ना करे अगर आपकी चीज़ 19-20 हो जाए या कुछ और मसला आ जाए तो उसके हम जवाब। वीडियो पसंद आई हो तो HSMBirds को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। साथ के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।